आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने एलोवेरा जेल प्लांट को कैसे हमेशा के लिए एकदम हेल्दी रख सकती हैं। काफी लोग बोलते हैं कि हम घर पे एलोवेरा प्लांट तो लगाते तो हैं, बट वो थोड़े टाइम में या तो सूख जाता है या फिर वो बढ़ता ही नहीं है। तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है एलोवेरा प्लांट से रिगार्डिंग, तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गई हूँ कैसे आप अपने घर पर अपने एलोवेरा प्लांट को अच्छे से मैनेज कर सकती है, कैसे उसे अच्छे से बड़ा कर सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम लेट्स सेट गो। उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो एलोवेरा प्लांट है उसमें आपको ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी आने नहीं देनी जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। आपको यहाँ पर ये आपकी जो सॉइल है, जो आपकी मिट्टी है, उसको कभी भी सूखने नहीं देना। सबसे मेन बड़ा रीजन यही है कि हम एलोवेरा में पानी डालते ही नहीं है, या तो हम एक बार डाल देते हैं फिर भूल जाते हैं डालना। तो आपको ऐसी कंडीशन जनरेट होने देनी ही नहीं है कि आपकी जो एलोवेरा की मिट्टी है वो एकदम सूखी रहे। तो इस चीज का सबसे पहले यही है कि आपको इसमें अच्छा सा मॉइस्चर हमेशा रहना चाहिए। जैसे हमें डेली खाना खाने की जरूरत पड़ती है तो प्लांट को भी डेली वाटर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी ये कंडीशन तो बिल्कुल भी आपको आनी नहीं देनी है, चाहे एलोवेरा प्लांट हो या कोई भी अलग प्लांट हो, वो भी अगर आप उगाते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं आने देनी चाहिए। सेकंड, अब हमने पानी तो डाल दिया, पर कई बार कुछ लोग इतना ज्यादा पानी भर भर के पानी डाल देते हैं कि उसके अंदर वो पानी कभी सूखता ही नहीं है। वो एक ही बार में इतना सारा अमाउंट में पानी डाल देते हैं तो पानी भी कई बार प्लांट को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। जो पानी जो प्लांट के लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी होता है वही उसका डिसएडवांटेज बन जाता है। तो हमें पानी को सिर्फ हमें उतनी ही अमाउंट में ऐड करना है जितनी की पेड़ को रिक्वायरमेंट है। क्या हम एक्सेस खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो सेम यही है। तो इनको भी इतनी ही अमाउंट में पानी की जरूरत है जितनी की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको देखना है कि बस आपको इतना रखना है कि जो आपकी सॉइल है वो अच्छे से मॉइस्ट रहे, उसके अंदर ज्यादा पानी ना हो, तो इस चीज का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो सबसे दो तो मेन मेजर फैक्टर थे जो एलोवेरा प्लांट को हमेशा के लिए कभी भी आपको अपनी सॉइल को बिल्कुल भी सूखा नहीं रखना है, और सेकंड इसके अंदर सिर्फ एक्सेस अमाउंट में वाटर बिल्कुल भी नहीं डालना। इतना डालना है, सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में आपको वाटर ऐड करना है। और नंबर थर्ड ये है कि मैं अपने एलोवेरा प्लांट में दो दिन में एक बार पानी देती हूँ, मतलब 2 डेज में एक बार पानी ऐड करती हूँ, मतलब एक ही बार पानी डालती हूँ 2 दिन में। तो आपको भी ये देखना है क्योंकि यहाँ पर मैंने एक साथ 3 लगा रखे हैं तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में पानी डालना पड़ता है। अगर आप किसी भी गमले या पॉट में लगाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको डालना होगा। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ मैं 2 दिन में एक बार पानी को डालती हूँ तो आपको अपने जो पेड़ है, आपका जो एलोवेरा प्लांट है, उसके अकॉर्डिंग उसके सॉइल को चेक करके यहाँ पर आपको पानी को ऐड करना है। नंबर 4, कई बार क्या होता है कि जो एलोवेरा प्लांट की जो सॉइल है वो उसके लिए नहीं होती। तो यहाँ पर अगर आपने काफी सारे मेथड ट्राई कर लिया, अपने सारे स्टेप फॉलो करते हो, फिर भी आपका एलोवेरा प्लांट है वो बढ़ ही नहीं रहा या फिर वो सूख रहा है, तो आपको उसकी सॉइल को चेंज करना होगा, फिर आपको रिजल्ट अपने आप दिख जाएगा। वो सॉइल उसके लिए इतनी कैपेबल नहीं है कि वो आपको एलोवेरा प्लांट को ग्रो कर सके, तो आपको वहां पर उसकी सॉइल चेंज करनी पड़ेगी और उसके बाद आपका ऑटोमेटिक एलोवेरा प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये शायद ये टिप्स बहुत हेल्प करेगी आपके प्लांट को ग्रो करने में, क्योंकि मैं यहीं से अपनी प्लांट को यूज करती हूँ। मैं एलोवेरा की जब भी रिक्वायरमेंट होती है मैं यहीं से तोड़ती हूँ और यूज करती हूँ। तो आपको इन सारे टिप्स को अच्छे से फॉलो करना है ताकि आपका जो एलोवेरा प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और आपको बहुत अच्छा सा DIY में हेल्प करने वाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।